वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। उम्मीद करते हुए कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपका दिन हमेशा शुभ हो। अब बताइए, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का 2.3 पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत ही आसान है, अगर हम लोग डिवाइड पढ़े हैं ना, भाग, अगर भाग पता है तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उससे मतलब टफ कह सकते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, आसान है लेकिन बेहतरीन है। देखिए आसान काम करने में मज़ा नहीं है, जिस काम में रिस्क हो उसी में मज़ा आता है, ठीक है। आसान तो कोई भी कर लेगा, और आसान आप मत कीजिए, भारी काम करने की कोशिश कीजिए। वैसे ये बहुत आसान है, भाग है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप भाग देते हैं ऐसे, 2 से 2 दूना 4, ये कटेगा 1 बजेगा, तो जो ये वाला लास्ट वाला भागफल बचता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोसेंट, QUOTIENT, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, भागफल। तो आपके किताब में यही बोला है, ठीक है, कि जो भी आपका बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहिए, उस पॉलिनोमियल में क्या ज्ञात करना है, आपका भागफल और शेष ज्ञात करना है, यानी कि कोसेंट और रिमाइंडर आपका निकालना है। तो भाग ये वाला है, एक्स वाई वाला है, ठीक है। हम लोग को पता है कि 2 का पहाड़ा होता है, 2 दूना पढ़ देंगे, ये भागफल लिख देते हैं यहाँ पे, भागफल, ठीक है। 2 का पहाड़ा अगर लिख दे, 2 दूना 4, पहाड़ा 2 का होता है, क्योंकि 2 से हम भाग दे रहे हैं तो पहाड़ा इसका होता है। लेकिन ये कह रहा है कि x² - 2 का पहाड़ा पढ़ना है और ये भाग देना है, तो इसका पहाड़ा कहाँ होता है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि a + a, a * 2a, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये पहाड़ा नहीं होता है। तो देखिए बनता कैसे है। सपोज मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 4 लाना था, तो हम क्या करते हैं, तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूना क्या आ जाता है, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आ जाता है, यानी इसको और इसको गुणा करते हैं। सेम ऐसे ही इसमें भी करते हैं। कुछ देर के लिए समझिएगा कि अंदर है x² और यहाँ साइड में है x, तो x में और क्या है, किस अंक से, यानी किस यहाँ वेरिएबल समय किससे गुणा करें कि x² हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि x में x से गुणा होता है तो क्या हो जाता है, x². अगर x³ लाना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, x में x² से गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, हमको लाना है यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास 1x है और यहाँ कितना है, 2x है, तो जाहिर सी बात है 1x है, एक और x यहाँ गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, यानी यहाँ x रखेंगे तब क्या हो जाएगा, ये x². अगर हमको लाना है मान लीजिए कि x³ और यहाँ हम भाग दे रहे हैं 1 से, हमको क्या लाना है, x³, यानी x कितना लाना है, 3, और हमारे पास है कितना, 1 ठो है, और 2 ठो अगर x इसमें लाएंगे तो 2x हो जाएगा वो, और 1 से कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी कि अगर ये 1 है, 1 ठो है, और यहाँ 2 ठो ला कर रखेंगे तो 2x यानी x² और 1x कितना हो जाएगा, x³ आ जाएगा, यानी 1x है और चाहिए 2x, तो इधर लिखा जाता है। बताए थे पहाड़ा पढ़ने के बाद से जो जितना बार पढ़ा जाता है वो इधर लिखते हैं, वैसे ही यहाँ 1x इधर है और 2x इस तरह, दोनों को गुणा करने पर कितना हो जाएगा, x³, और ये घटता है यानी कि कट जाएगा। और एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, देखिए एक और तरीका से आप समझ सकते हैं, ध्यान से इसको समझते चलिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि हमको लाना होगा 2x² और यहाँ हमारे पास सिर्फ है यहाँ पे 2, या फिर हम समझे x है। अब यहाँ पे बताइए हमको लाना है ये और हमारे पास है सिर्फ x, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब बताइए इसमें किस किस चीज़ की कमी है, हमारे पास क्या है सिर्फ x, तो एक x है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 ठो x है, यानी अगर और x यहाँ पे गुणा कर दें तो 1x 1x 2 हो जाएगा x, और एक 2 की कमी है, यानी इस x को अगर इस रूप में बनाना होगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस रूप में दिखने लगा कि नहीं, यानी क्या क्या बढ़ा है, तो देखिए क्या क्या बढ़ा है, 1x पहले से था, ठीक है, इसी से गुणा करना है, तो देखिए क्या क्या, अगर 2 से गुणा करें तो 2 में हो जाएगा 2x, आ एक x से गुणा करें, यानी 2x से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो जिस चीज़ की कमी है उसी से गुणा किया जाता है, इसको बनाना है, इस x को बनाना है, एकदम ऐसे दिखने लगे तो यहाँ सामने हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ नहीं, यहाँ 2 की कमी है, और किस चीज़ की कमी है, तो जब 2 से हो गया तो 2x हो गया, अब एक और x चाहिए, यानी 2x हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे x में 2x से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में इससे तो 2 हो जाएगा, x में x से तो x² हो जाएगा, मिला जुला के 2x², दोनों को गुणा करने पर आ गया कि नहीं, इसको काट देते हैं, ठीक है। अगर हमको यहाँ x से भाग देना है, यहाँ पे लिखा हो 5xy,
एक्स का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि ये आ जाएगा, रूल भाग का तो यही होता है। तो अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ क्या है, एक्स है, हमको किस रूप में लाना है, इस रूप में। इस एक्स के पास क्या क्या नहीं है इसमें से, तो इस एक्स के पास देखिए पाँच नहीं है, एक्स तो है, क्या नहीं है, वाई नहीं है। अगर ये मिल जाएगा तो दोनों सेम दिखने लगा ना, यानी कि इस एक्स में कितना से गुणा करें, किस चीज़ की कमी है, पाँच रहेगा एक वाई, तो ये हो जाएगा पाँच एक्स वाई, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, पाँच एक्स वाई। देखिए एक्स और वाई वाला गुणा करने पर कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग नंबर में नंबर से गुणा करते हैं तो दो दुना हो जाता है चार, लेकिन एक्स में वाई से गुणा कीजिएगा तो ये गुणा नहीं, इस पास में हो जाता है, एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, सिर्फ नंबर ही बदलता है, ये वेरिएबल नहीं बदलता है, ठीक है। उसी तरह हमको लाना था ये, तो हमारे पास x था और क्या क्या चाहिए था, 5 और y, तो 5y कमी था तो वही चीज़ लिख दिए, तो 5y इधर और x इधर, तो 5y में x है तो 5xy हो गया, ठीक है, एक जैसा हो गया, काट देते हैं। यही चीज़ हमको इसमें जानना है, ठीक है। देखिए अब कैसे हम बना रहे हैं इसको, जितना बेहतरीन तरीका से और आसान लैंग्वेज में समझिएगा उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। यहाँ आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं पी एक्स, अभाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस टू से। तो यहाँ देखिए लिखते हैं एक्स का पावर तीन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, और किससे भाग देना है हमको, हमको भाग देना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाला अंदर रहेगा, ये वाला आपका डिविडेंट है यानी कि भाजक है, और ये है भाज्य जिससे भाग देते हैं, ठीक है, डिवाइजर है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला वाला क्या है, एक्स का पावर तीन, हमारे पास पहला क्या है, एक्स का पावर दो, तो यहाँ एक्स तीन ठो है, यहाँ एक्स दो ठो है, अब हमको कितना एक्स की जरूरत है, ये एक्स के पावर तीन, कोशिश किया जाता है कि पहला वाला सेम टू सेम आ जाए, तो यहाँ तीन ठो है, यहाँ दो ठो है, यानी और यहाँ एक एक्स रख देंगे तो ये तीन ठो हो जाएगा, तो वो वाला इधर रखते हैं, तो दो और एक कितना हो गया, एक्स का पावर तीन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी होगा इसमें अगर इससे आप गुणा करके ये लाएँ तो ये दो भी तो इसके पास में है, ये गुस्सा हो जाएगा, इसलिए एक्स में दो से भी गुणा करना पड़ेगा। तो एक्स में दो से जब गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा दो एक्स। अब बताइए कि दो एक्स होगा तो एक्स वाला जात कौन है, ये है, ये तो एक्स स्क्वायर वाला जात है ना, एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में दो एक्स। आइए लास्ट में सिंबल चेंज होता है, ये कुछ नहीं है तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस एक जैसा होता है तो कट जाता है। पाँच एक्स प्लस में और दो एक्स प्लस में, तो पाँच और ये अब माइनस में नहीं रहा, इसको माइनस में मत बोलिएगा क्योंकि सिंबल चेंज हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो प्लस में दो एक्स और प्लस में पाँच एक्स, कितना एक्स, सात एक्स, और यहाँ ये बच गया थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में, और बाकी चाहेंगे तो उतार सकते हैं, ये बच गया तो थ्री। अब हमको क्या लाना है, अब हमको लाना है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, पहला वाला हर हाल में काट देना है तभी जाके आपका आंसर सही होगा। तो हमारे पास क्या है बाबू, इसी से इसी का ना पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा तो होता नहीं है लेकिन इस रूप में तो ला सकते हैं ना, हमारे पास अभी क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, लाना है हमको माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तब तो ये तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर है यहाँ भी है, बताइए इसमें किस चीज़ की कमी हो रहा है, खाली माइनस तीन रख देंगे ना तो दोनों एक जैसा दिखने लगेगा, हमारे पास पहले से एक्स स्क्वायर है यानी खाली हमको माइनस तीन रख देंगे तो माइनस तीन में एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, माइनस तीन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए माइनस तीन में माइनस दो से करेंगे तो तीन दूना छः और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस छः और ये क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज कीजिए, जब सिंबल चेंज करें तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, आई क्या है आपका प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा। अब बताइए सेवन एक्स बचा, सेवन एक्स, यहाँ पे माइनस में तीन और माइनस में छः तो माइनस में नौ। आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है भागफल और शेषफल, यानी कि कोसेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो कोसेंट जो ही होता है इसी को भागफल, भाग देने के बाद जो फल मिले उसे भागफल यानी कोसेंट कहते हैं, और जो नीचे बच जाए उसे रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं भागफल यानी कि कोसेंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, कोसेंट इज इक्वल टू x माइनस थ्री और यहाँ पे रिमाइंडर r e m a i n d e r, रिमाइंडर कर दो सेवन एक्स माइनस नाइन। यहाँ हिंदी में भी लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं क्या यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, किसका फल, भाग का फल, और ये हो जाएगा आपका शेषफल,
ठीक है। तो देखिए था ना बहुत आसान, ज्यादा इसमें भारी नहीं है, ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो सबसे आसान है। अगर लगा हो बहुत ही बेहतरीन वीडियो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी हक बनता है, फर्ज बनता है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हो गया आपका पहला का आंसर, देख लीजिए, ठीक है। डिवाइड देखिए इसमें पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता है, इसमें जिस चीज की जरूरत है। सपोज मान लीजिए कि आप एक लड़का है, बॉयज है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप एक बॉयज हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको अपना पर्सनालिटी बनाना है, तो क्या कीजिएगा, साइड में बैलून बना के हवा भर के फुला लीजिएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए उस चीज को अपने पास लाएंगे। यहाँ पे वही होता है, हम लोग अगर गुणा नहीं कर सकते हैं, एक से स्क्वायर का पहाड़ा अगर नहीं पढ़ सकते हैं, तो जिस चीज को बनाना है उसको ला। जैसे मान लीजिए कि हमको बनाना हो 5xyz, ये लाना, हमारे पास सिर्फ एक्स है। अब x का पहाड़ा कितना बार पढ़ा किया जाएगा, तो पढ़ा तो होता नहीं है। तो देखिए हमारे पास x है, इस रूप में दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो यानी कि इसको बनाने के लिए x तो है और एगो 5 चाहिए, एक चाहिए y और एक चाहिए z। यही तीन को अगर मिल जाएगा तो हमारे पास तो x था ही, तीनों मिलकर चारों जो चीज़ जरूरत है वो मिल गया, ठीक है। तो ये किससे गुणा करेंगे, 5yz से गुणा करेंगे। किससे गुणा, x तो पहले से था ही, 5yz से, तो आ जाएगा 5xyz, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे एगो है और कितना जरूरत है वो इस साइड लिखते हैं, फिर वो दोनों का दोनों यहाँ पे लिख देते हैं। और गुणा करने के बाद बदलता नहीं है, बस पास में आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताए थे, पहला वाला जो जरूरत होगा जितना का उतना। यहाँ पे देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, पहला को पहला से देखिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स का पावर 4, यानी 4x यहाँ पे, 2x यहाँ पे, और कितने एक्स की जरूरत है, तो 2x की जरूरत है, यानी कि और यहाँ 2x ला दें तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ थोड़े लिखना है, वो तो जो चाहिए वो इधर लिखते हैं, एक्स का पावर 2, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इससे ये गुणा होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। लेकिन आपको बताए थे कि इसमें सिर्फ एक ही से गुणा नहीं करते हैं, जो यहाँ पे होता है उससे गुणा करते हैं। यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है, देखिए यहाँ पे 1 होगा। अब बताइए इसमें तो कर लिए, ये भी तो दोनों बाकी है, इससे भी कीजिए, एक्स स्क्वायर में हम करेंगे 1 से, तो 1x स्क्वायर, तो बताइए एक्स स्क्वायर वाला जात इसमें कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ आप लिखिएगा 1x स्क्वायर, मत लिखिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, 1 नहीं लिखा जाता है। और x में अगर आप गुणा कीजिएगा किससे, एक्स स्क्वायर में x से, तो 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे, x का पावर 3, इसमें कहीं x का पावर 3 है, नहीं है तो उसको अलग छांट दीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि एक जात का दिखेगा तभी रखेंगे, यहाँ साइड में कर दीजिए इसको, x का पावर 3। अब कटाइए, यहाँ प्लस में ही हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ देखिए माइनस में 3x स्क्वायर, और माइनस में 1x स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, माइनस में 4x स्क्वायर। और एक काम कीजिएगा, ये जो साइड में बचा है ना इसको पहले ला लीजिएगा, क्योंकि x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो बड़ा वाला पहले रखिएगा अच्छा रहेगा। अब वो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, आगे रहेगा x का पावर 3, और ये जो बच गया है वो घटाए हैं तो लिख दिए, अब बाकी उतार दीजिए, 4x प्लस 5। अब लाना क्या है हमको, x का पावर 3, यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, कितने x की जरूरत है, एगो x की जरूरत है, ठीक है, x में x के स्क्वायर से तो x का पावर 3। अब ये दोनों में कीजिए, x में 1 से तो क्या हो जाएगा, 1x, और x वाला जात ये है ना, तो जात हो जाएगा, 1x लिखना है तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट x लिखिए। x में x से कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर वाला ये है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, सिंबल चेंज कीजिए, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, माने घट जाता है, लेकिन हम लोग काट देते हैं। बताइए 4x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 3x स्क्वायर। माइनस क्यों दिए हैं, क्योंकि बड़ा वाला किस में है, माइनस में है, छोटा वाला प्लस में है, ये अब इसका सिंबल नहीं, प्लस सिंबल है। 4x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, अब प्लस में यहाँ पे 5 उतार दो, ठीक है। अब हमको लाना है 3 - 3x स्क्वायर, हमारे पास एक्स स्क्वायर है देखिए, और सिर्फ माइनस 3 से अगर गुणा कर देंगे ना सिर्फ, तो ये एक जैसा दिखने लगा, यानी इधर गुणा नहीं, गुणा इधर करते हैं माइनस 3 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में 1 से तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 में 1 से करेंगे तो 3 नंबर के पास लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे 3 में 1 से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3x, सिंबल चेंज कीजिए,
माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और यहाँ पे यहाँ प्लस में होगा जी, ठीक है। प्लस में इसलिए होगा क्योंकि 4x है और 4x में से एगो x जाएगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है एक माइनस, कभी भी एक जैसा कहीं भी दिखे। अब क्या करते हैं, भाग जब देते हैं बाबू तो देखिए दो एकम दो कर देते हैं, क्या होता है ये घटाते हैं ना, ये प्लस में है यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस, तो दो में से दो जाता है तो जीरो लिखते हैं या काट देते हैं। हम लोग इसको डायरेक्टली काट देते हैं इसमें एक्स वाले में, वेरिएबल वाला में। अब देखिए ये प्लस में पाँच और प्लस में अब तीन, तो पाँच और तीन कितना हो गया आठ। बताइए यहाँ आपका बचा कोसेंट यानी कि भागफल और यहाँ पे बचा आपका शेष, तो यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे कोसेंट और यानी भागफल क्या होता है, भाग देने के बाद जो फल मिलता है उसे भागफल, यानी क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, कोसेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, ठीक है। और यहाँ पे शेषफल इक्वल टू शेष कितना बचा यानी रिमाइंडर, आर एम आई एन डी ई आर, रिमाइंडर इज इक्वल टू एट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बिना देर के अब लोग देखते हैं तीन नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे वन का हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है आसान लेकिन आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। वैसे भी एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि दुनिया में सारे लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के चल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों को ही बेवकूफ़ बनाइए और आप चलाक बन के धीरे से निकल जाइए, ठीक है। यही ज़िंदगी का रूल है। देखिए यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमको लाना है एक्स का पावर फोर, ठीक है। और जब एक्स का पावर फोर लाना है तो यहाँ पर तो पहले दो दे दिया है, मामला गड़बड़ है। एक काम कीजिए ना, या आपको बेवकूफ़ बनाए इसको बेवकूफ़ आप बना दीजिए, इसको पलट दीजिए, पलटने में कोई नुकसान नहीं है। मान लीजिए कि दो प्लस तीन लिखे चाहे तीन प्लस दो लिखे, दोनों तो बात सेम है, आंसर तो वही आने वाला है, तीन और दो पाँच और तीन और दो पाँच, ठीक है। तो ज़्यादा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे ही हम लोग भी करें, ठीक है। इसको पलट दे रहे हैं, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ गया दो पीछे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आगे और क्या हो जाएगा दो पीछे। घबराइए नहीं, यहाँ पे देखिएगा ये प्लस में दो है। कभी भी सिंबल कैसे पहचानते हैं, तो देखिए जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसके आगे देखते हैं, ये दो के आगे कुछ नहीं है तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ प्लस, एक्स के आगे क्या है माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया। देखिए देखिए हमारा हक हमारे सामने वाले चीज़ पर होता है, अब किसी भी सामने वाले चीज़ पर मत समझिएगा। देखिए हमको लाना है यहाँ पे एक्स का पावर फोर, और जब एक्स का पावर फोर लाना है यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो बताइए दो ठो एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे चार हुआ, और दो की ज़रूरत है लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो कोशिश कीजिए कि इसको प्लस बनाना है। तो माइनस है तो एक और माइनस से गुणा करने पर ये प्लस हो जाता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिए, यहाँ पे दो ठो एक्स और यहाँ पे दो ठो एक्स, कितना हो जाएगा एक्स का पावर चार, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर में दो से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दो एक्स स्क्वायर होता है। आपको बताए थे कि देखिए गुणा नहीं हो पाता है, एक्स में क्या गुणा कीजिएगा, बस यहाँ दो में अगर एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा पास में आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब ऐसे ही होता है मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे जब गुणा होगा तो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर का जात है इसमें कोई भी नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको अलग छांट दो, जो काम का नहीं होता है उसे बाहर फेंको, इधर हटाओ, बाद में काम कहीं आ जाए। और यहाँ पे सिंबल बदलिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नीचे होता है उसी का सिंबल बदलता है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले आगे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जो कभी काम का नहीं होता है वही कभी काम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस पाँच एक्स प्लस में सिक्स ये उतार दिए, हमको क्या लाना है प्लस में दो एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है यहाँ भी है, किस चीज़ की जरूरत है दो की, और यहाँ माइनस में नहीं प्लस की जरूरत है, तो प्लस बनाने के लिए एक और माइनस से गुणा कीजिए दो, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस में टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए जब नंबर से गुणा करते हैं ना तो यहाँ पे इसके सिंबल से भी गुणा करते हैं, जब देखिए दो गार्जियन अगर लड़ रहे हैं ना तो उसका बेटा भी, इसका भी लड़का और इसका भी, दोनों का लड़का भी लड़ता है कि
हम अपने तरफ से लड़ेंगे। वैसे ही अगर नंबर नंबर यहाँ मल्टीप्लाई किया ना तो सिंबल भी अपने में लड़ के मल्टीप्लाई कर लेता है, ठीक है। और यहाँ दो दूना कितना हो जाएगा, चार, लेकिन माइनस में चार होगा। यहाँ पे सिंबल बदलिए, कट जाएगा, ये उतारिए, माइनस पाँच एक्स, और ये छः और चार दस हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, रिमाइंडर, और ये बच गया आपका कोसेंट, ठीक है। यहाँ माइनस से ही मल्टीप्लाई होगा, हाँ ठीक है, माइनस और प्लस, एक मिनट, यहाँ आप एक काम कीजिएगा, यहाँ दो से आप गुणा किए तो माइनस और माइनस प्लस, हाँ ठीक है, यहाँ लिखिए आप रिमाइंड, पहले कोसेंट लिखिए, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, कोसेंट आपका बच गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में टू, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आर कितना बच गया, माइनस फाइव एक्स प्लस में 10। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, और समझ में आया है तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ये जो बार बार शेयर कीजिए बोला जाता है, इससे आप शेयर भी करते नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर ज़बरदस्त लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग बिना देर किए देखते हैं अब दो नंबर क्वेश्चन, वो क्या होता है, अगर आपको भाग आता है तो वो भी आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर बहुत ही आसान है, देखिए अगर आप वन नंबर बढ़िया से समझ चुके हैं तो ये भी समझिएगा, उसमें डिवाइड हम लोग कर रहे थे और जो हमको क्या मिला था, कोसेंट मिल रहा था और रिमाइंडर मिल रहा था, उसको लिख दे रहे थे। इसमें डिवाइड करना है लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे अगर जीरो बचा तो समझिएगा कि आपका सही है, यानी कि फैक्टर है। यहाँ पहले समझिए, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी जो पहला पॉलिनोमियल दिया है वो इज अ फैक्टर ऑफ ए सेकेंड पॉलिनोमियल, क्या दूसरे का ही फैक्टर है यानी गुणनखंड है। यहाँ पे लिखा है सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि पहला और दूसरा को जब आप एक दूसरे को डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर मिलेगा क्या वो फैक्टर होगा इसका। अगर फैक्टर होगा तो देखिएगा जीरो आएगा, नीचे से इसके आएगा जीरो, अगर फैक्टर नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा। आइए हम लोग देखते हैं बिना देर किए क्वेश्चन, आप लोगों को लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री, और सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला टू टी का पावर फोर, ये पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करते हैं, टी स्क्वायर माइनस थ्री से डिवाइड करना है टू टी का पावर फोर और प्लस थ्री टी का पावर तीन और माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी और ये 12। अब देखिए यहाँ पे यही आपका है क्वेश्चन, हमको लाना क्या है, ध्यान से देखिए, हमारे पास है टी स्क्वायर, इसी का नट पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, और कितना बार पढ़े हैं कि ये आ जाएगा, तो हमारे पास टी का पावर टू, यानी टी कितना बार है, दो बार है, यहाँ पे कितना बार है, चार बार, और कितना टी की ज़रूरत है, दो टी की ज़रूरत है, हो गया। अब बताइए, अभी भी एक जैसा नहीं हुआ, सामने एक दो भी है तो दो चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत होगा, जो भी चीज़ यहाँ चाहिए वो इधर लिखते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टू टी का पावर फोर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे भी तो गुणा करेंगे, तीन दूना छः, माइनस में छः, लेकिन एक और बात है, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे, तो यहाँ पे टू तीन दूना छः, यहाँ पे लिखिएगा छः टी स्क्वायर, क्यों लिखिएगा, यहाँ समझिएगा क्यों लिखेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर है, क्या यहाँ पे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के सामने ही लिखेंगे, टी का पावर तीन नहीं है, सिंबल बदलिए, माइनस है यहाँ, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, इसको उतार दीजिएगा, थ्री टी का पावर तीन, और यहाँ पे प्लस में छः, या प्लस में हो गया, अब माइनस में दो, दो छः में से दो जाएगा तो चार बचेगा, लिखिएगा यहाँ पे प्लस में चार टी स्क्वायर, बाकी सब उतार दीजिए, नाइन टी ट्वेल्व, हमको लाना है थ्री टी का पावर तीन, हमारे पास क्या है टी स्क्वायर, यानी दो ठो यहाँ पे है, तीन ठो यहाँ पे, एक ठो टी की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तीन है यहाँ दो है, तो एक ठो हमको टी चाहिए, और क्या चाहिए, एक ठो टी चाहिए और एक तीन भी इसमें नहीं है, तो एक ठो चाहिए तीन, तो थ्री टी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री टी का पावर तीन, तीन में तीन से कीजिएगा, तीन थ्री का नौ, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में नाइन टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नाइनटी नहीं, नाइन टी, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सिंबल बदले, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इससे इसका हिसाब किताब हो गया, दोनों सेम है, ठीक है, कट गया, क्या बच गया, प्लस में फोर टी स्क्वायर, ठीक, फोर टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ट्वेल्व। अब देखिए तो ये कटेगा, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर इसमें चार से गुणा कर दें तो ये दोनों सेम हो जाएगा, चार से गुणा कीजिए, प्लस में चार, तो हो जाएगा चार टी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस चार तिहाई बारह, देखिए तो ये क्या हो गया, दोनों ये सिंबल बदलिए, ठीक है, माइनस है तो प्लस,
प्लस और माइनस दोनों का दोनों कट गया, क्या बच गया रिमाइंडर? जीरो। अगर जीरो बच गया इसका मतलब ये वाला जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ यस लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसका फैक्टर पूछ रहा है तो लिख दीजिए यस, ये इसका फैक्टर है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग बिना देर किए हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे टू का सेकेंड मैंने दो का दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत आसान है। आसान अब तो सब है, अगर आप डिवाइड इस टाइप का सीख गए एक्स वाला तो समझिए कि सब आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमको देखिए क्या चाहिए, हमारे पास तो बेचारा पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर, नहीं दो ठो एक्स है, यहाँ पे तो चार गो एक्स है, डिवाइड कर रहे हैं यही वाला आपका है, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो और हमको कितना एक्स चाहिए, एक्स का पावर दो चाहिए, और क्या चाहिए, एक थ्री चाहिए, ठीक है, तभी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, थ्री एक्स का पावर फोर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी तो काम करेंगे, इसमें जो भी इसके साथ नंबर सब में गुणा करते हैं, तो थ्री में थ्री से करेंगे तो तीन तरीका हो जाएगा नौ, ठीक है, और एक्स यहाँ पे दो ठो और यहाँ पे एक ठो, कितना हो जाएगा एक्स का पावर तीन। फिर थ्री में वन से कीजिएगा तो हो जाएगा थ्री और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सब सामने सामने हम लिखे हैं, यहाँ पे सिंबल माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। ये नौ में से पाँच जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, तो हो जाएगा आपका माइनस में चार एक्स का पावर थ्री, ये हो जाएगा आपका माइनस में सात और माइनस में तीन, माइनस में हो जाएगा दस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बाकी सब जो बच गया उसको धीरे से उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लाना है हमको, चार एक्स का पावर तीन माइनस में, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, किस किस चीज़ की जरूरत है, यहाँ पे माइनस भी है यहाँ पे प्लस है, तो ये वो माइनस की जरूरत है, जो जरूरत होगा वो इधर लिखते हैं। एक ठो चार की जरूरत है, यहाँ पे तीन ठो है एक्स, यहाँ दो ठो है, यानी बराबर करने के लिए एक और इसमें एक्स रखेंगे तो तीन गो हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी चार एक्स से गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस चार एक्स का पावर तीन हो जाएगा, माइनस चार एक्स में तीन से गुणा किए तो चार तिहाई कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स 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 का पावर दो, दो गो हो जाएगा, ठीक है। अब फोर एक्स में अगर वन से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में फोर एक्स, क्योंकि वन से गुणा करने के बाद बेचारा वन तो शरीफ नंबर है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, काट दीजिए इसको। बारह में से दस जाएगा तो कितना हो जाएगा, दो एक्स स्क्वायर बचेगा, ज़्यादा वाला किस में है, प्लस में, तो प्लस में होगा, यहाँ पर हो जाएगा चार और दो छः एक्स और प्लस में दो। अब हमको क्या लाना है, टू एक्स स्क्वायर लाना है, हमारे पास है स्क्वायर, इसको अगर इस रूप में बदलना हो तो हमको दो की कमी है ना, ये मेरा है समझिएगा, ये हम लोगों का है, हमको नीचे वाला के बराबर होना है, तो खाली हम अपने में दो से गुणा करेंगे तो एक जैसे दिखने लगेंगे, तो ये इधर नहीं इधर लिखते हैं, सिर्फ दो से गुणा कीजिए, गुणा कितना हो जाएगा, दो में हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस दो तिया छः एक्स, दो एकम दो, सब सिंबल बदलिए, माइनस हो जाएगा प्लस है तो सब कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, बहुत बड़ा एक जीरो लिख देते हैं तीनों के बदले, ठीक है। अब देखिए ये भी जीरो हो गया, इसका मतलब कि ये भी एक दूसरे का क्या है, फैक्टर है, ये भी यस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए हम एक ठो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है, होमवर्क के लिए जरूर बनाइएगा और कमेंट में इसको बताइएगा कि क्या आपने उसको सही बनाया, अगर समझे होंगे तब। इसका थ्री नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाएगा। अब मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।